पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जनता असमंजस में है कि कौन जीत रहा है गोपालगंज। 9 आदमी यहाँ लड़ रहे हैं, वो सबसे पिछला केतार भी होगा तो वो भी कह रहा है हम जीत रहे हैं जब तक काउंटिंग नहीं। ये बात दूसरी है, कोई कहता है कि हमारा MIM की बात है तो उसका नेता हैदराबाद के हैं, रियाजुल हक राजू गोपालगंज का है। रियाजुल हक राजू लोगों के दुख सुख में रहता है और लोग हमारे दुख सुख में रहते हैं, तो बारह बैरात को भी हम ही खड़ा होते हैं, लोग मेरे साथ। असलम मुखिया से भी वो कह रहे थे कि हमारा भी अधिकार है लड़ने का, हम भी लड़ेंगे जीतेंगे, कब तक मुसलमान दरी बिछाएंगे। बात सही वो कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीटिंग है कि आजम खान ने, आप देखे होंगे कि आजम खान थोड़ा सा सदन में बोल दिए तो उनका बेटा। नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ द लार्ज न्यूज में। और गोपालगंज में उपचुनाव है और पूरे बिहार के लोगों की नज़र गोपालगंज उपचुनाव पे है, क्योंकि एक तरफ यहाँ से AIM प्रत्याशी भी हैं, वहीं भाजपा भी है और RJD भी है, और हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे बड़े राजद की तरफ से आप दावेदार थे, मगर और ये आरोप भी लग रहा है राजद पे कि अल्पसंख्यक समाज को नज़रअंदाज कर रही है और वहीं मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कैसा माहौल दिख रहा है और क्या जनता से सपोर्ट मिल रहा है? ऐसा कुछ बात नहीं है, पार्टी ने हमको हरदम सम्मान दिया है जी। 2020 में भी गोपालगंज से नहीं लड़ा के बरौली से लड़ाया था, वहाँ भी 68,000 वोट मिला, लेकिन बस किस्मत ही हम हार गए, ऐसा कोई नाराजगी की बात नहीं है। और बोल रहे हैं कि एक तरफ BJP भी है और साधु यादव भी हैं और AIM ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया आपको है। और कहा जा रहा है कि जो MI समीकरण कहा जाता है RJD को, और ये सबसे बड़े मतलब वोटर होते हैं, ध्रुवीकरण का काम करते हैं, तो कहाँ लड़ाई में दिख रही है महागठबंधन? हम आपको समझा देते हैं। 2015 में मैं मात्र 2,500 से चुनाव हारा था, 74,000 में वोट मिला था, लेकिन पार्टी ने मुझे बरौली 2020 में भेज दिया, साधु यादव यहाँ लड़ गए और कांग्रेस के जगह यहाँ मिल गया गठबंधन में। तो कांग्रेस के प्रत्याशी मेरा छोटा ही भाई जैसा था, लेकिन वो ज़्यादा चर्चित नेम नहीं था, ना कार्यकर्ता उनको पहचानते थे ना वो कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, इसलिए साधु जी उस जमाने में वोट ले लिए। मेरा ही वो जो 74,000 वोट मिला था वही दो भाग में बंटने का काम किया कांग्रेस और साधु जी में। और इस टाइम मुझे 7 पार्टियों का गठबंधन है, उस टाइम 3 पार्टियों का गठबंधन था, अभी हम हैं, CPM है, CPI है और माले है, और ये 4 का अगर 5-5 से भी वोट जोड़ते हैं तो 2,000 पूछ जाता है, तो यही वोट से हार जाते हैं वो। दूसरा चीज़ कि जो उनके साथ मुकेश सहनी का वोट था वो लगभग 4-5,000 वोट है, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया, उसका आदमी भी घूम रहे हैं, हमको समर्थन दिया है, उसका 4-5,000 वोट। और इन्हीं लोगों को हराने के लिए कि भाजपा को कैसे हम उखाड़ें, इसलिए यहाँ MCHAWAI नहीं लड़ा और हम बनिया समाज से टिकट दिए कि बनिया समाज के लोग भी हम लोगों को समर्थन देंगे। जब बनिया समाज का 50% भी समर्थन मिलेगा तो कोई माई का लाल नहीं है कि 15-20,000 से हमको जीतने से। सारे पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जनता असमंजस में है कि कौन जीत रहा है गोपालगंज। 9 आदमी यहाँ लड़ रहे हैं, वो सबसे पिछला केतार भी होगा तो वो भी कह रहा होगा हम जीत रहे हैं जब तक काउंटिंग नहीं। ये बात दूसरी है, कोई कहता है कि हम हार रहे हैं, सब लोग जीतने की उम्मीद से लड़ता है। इन आप हमको, मैंने आपको समझाया कि किस गणित से हम जीत रहे हैं, और उस गणित से आप पूछिएगा तो लोग पता चल जाएगा। आपकी जो है, जहाँ तक MIM की बात है तो उसका नेता हैदराबाद के हैं, रियाजुल हक राजू गोपालगंज का है। रियाजुल हक राजू लोगों के दुख सुख में रहता है और लोग हमारे दुख सुख में रहते हैं, तो बारह बैरात को भी हम ही खड़ा होते हैं, लोग मेरे साथ खड़ा होते हैं, इसलिए हैदराबाद के लोग बात नहीं मानेंगे, रियाजुल हक राजू के बात मानेंगे। आपके पार्टियों का और आपका भी बयान मैंने सुना था, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं AIM पे कि वो भाजपा की B टीम है, तो क्या लगता है? और मेरी बात हुई थी असलम मुखिया से भी, वो कह रहे थे कि हमारा भी अधिकार है लड़ने का, हम भी लड़ेंगे जीतेंगे, कब तक मुसलमान दरी बिछाएंगे। बात सही वो कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि B टीम है कि आजम खान ने, आप देखे होंगे कि आजम खान थोड़ा सा सदन में बोल दिए तो उनका बेटा BB आजम खान 80 किता केस हुआ, उनको जेल भेजने का काम किया, उनकी यूनिवर्सिटी टूट गई। मुख्तार अहमद का कई किला बुलडोजर चला दिया गया, अतीक अहमद पर बुलडोजर चला दिया गया, ये रोज गाली देते हैं ओवैसी साहब, उन पर क्यों नहीं EDI और CB रेड मारती है? इसलिए मैं B टीम को आता हूँ कि उन पर कोई जो है कार्रवाई BJP नहीं करती है, BJP के सारे पे चुनाव लड़ाते हैं और इसीलिए B टीम हम कह रहे हैं।
साधु यादव हैं वो लगातार आपके प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे, और वहीं आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगा रहे थे और बनिया समाज से उतारे हैं, तो क्या लगता है कितना सपोर्ट मिलेगा? और वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और एजेंडा क्या होगा आपके अगर पार्टी अगर यहाँ पे जीतती है तो? सबसे पहले आप सबसे पहले ये कभी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नेता अभी एक डेढ़ महीने दो महीना कवल तेजस्वी जी आए हुए थे, तो मेडिकल का घोषणा करके गए हैं, कॉलेज का, दुर्गा स्थान का संधिकरण के लिए पैसा दिए, जिला मुख्यालय का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का संधिकरण के दिए, फिर आपको दूसरा हॉस्पिटल बैंडकूट में खुलने का दिए, ट्रामा सेंटर, और जब से ये जोड़ी आई है नीतीश जी और तेजस्वी जी का, काम करने का काम कर रहे हैं, रोजगारों को रोजगार देने का काम कर, डेली नियुक्ति पत्र बट रहा है, आप देख रहे होंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति पत्र बट रहा है, इसलिए विकास भी होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज आ गया है जब से गठबंधन की सरकार। आप पहले आंकड़ा निकालिए बिहार का कि गठबंधन की सरकार आई है, इसके पहले ज़्यादा हत्याएं हो रही थी, ये लूटपाट हो रहा था या उसका आने के बाद हो रहा था, कमी हुई है, कमी हुई है, ये बीजेपी के कारण ही ऐसा हो रहा था, दूसरे कोई बात नहीं था, और बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है, इसलिए कि उसके वोट से ही हम कैंडिडेट दिए हैं, जिसको बेस वोट वो मानता था बीजेपी, उसी में कैंडिडेट हम अपना दे दिए हैं, और वो कहाँ है लड़ाई में? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे गोपालगंज? हम गोपालगंज के नौजवानों, बेरोजगारों और जनता से अपील, किसानों से अपील ही करना चाहेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है, इससे सरकार बनने और बिगड़ने वाली नहीं है, सरकार हमारी है तो सरकार चलेगी, लेकिन पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड की नज़र दो विधानसभा पर है, उपचुनाव पर, कि महागठबंधन यहाँ बिहार में भारी पड़ता है या NDA भारी पड़ता है, इसलिए ये करो और मरो की बेरा है, इसलिए मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करूँगा कि आपस में कुछ मनभेद हो या मतभेद हो उसको भुला करके हम महागठबंधन के प्रत्याशी लालटेन के छाप जो है बटन दबा के अब विजयी बनाए। हमारे साथ राजू लगराजू जी थे जो कह रहे हैं कि करो और मरो की लड़ाई है और जितने भी मतभेद हैं उसको भुलाकर आप लोग RJD को वोट करें, ये साफ तौर पे कहना था राजू लगराजू जी का। लगातार हम लोग बने हुए हैं गोपालगंज उपचुनाव पे, अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। शुक्रिया।